इसी बीच बड़ी खबर, राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक। तो बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में पारित होंगे विधेयक। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी ये बैठक। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? प्रीति, देखिए लगभग अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए आज से है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से शुरू होना है, तो उसको लेके एक तो सरकार बजट पे कैबिनेट की मोहर लगाना चाहती है, और उसके बाद राज्यपाल को जो अभिभाषण बजट सत्र के पहले दिन होगा उसको भी मंजूरी दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण उस लिहाज से ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि बजट सत्र होना है, सरकार अपनी थोड़ी रणनीति पे भी कुछ चर्चा करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पे मोहर लगनी है, और बजट जो पेश होना है उसको लेके जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद विधानसभा में क्या नए विधेयक लाने हैं, किस तरह से विधानसभा में नई चीजें पेश की जानी है, उसको लेके भी सरकार मंथन करेगी, और इस पे आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। 26 तारीख को ये सत्र शुरू होने वाला है, 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि बजट को लेकर जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि चर्चा किया जाएगा, विचार विमर्श होगा, लेकिन इसके साथ ही विधेयक का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा खास जो बैठक में चर्चा का विषय बजट के अलावा? देखिए अभी जो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव है, जिसमें नगर निगम के चुनाव होने हैं अभी, और बाकी जो स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, तो अभी लगातार ये चर्चा हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मांग की जा रही थी। अब जो निकाय चुनाव होने, खासकर जो नगर निगम चुनाव होने हैं, उन्हें पार्टी चुनाव सिंबल पर कराया जाए, तो उम्मीद ये आज जताई जा रही है। जिस तरह से नेताओं के बयान, मुख्यमंत्री के खुद बयान आए हैं कि आने वाले वक्त में इनको पार्टी चुनाव जो चुनाव चिन्ह पे किए जाते हैं, तो एक उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो नगर निगम के आगामी चुनाव अभी होने हैं वो पार्टी चुनाव चिन्ह पे हो, इस पे आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। और इसके अलावा बहुत ऐसे विषय है, खासकर स्कूल जो फीस को लेकर, कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार लगातार ये मजबूरी बताती रही है कि कानून में, नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकारी जो स्कूल के अलावा जो निजी स्कूल है उनकी फीस को सरकार रेगुलेट करें, तो इसको लेके भी आज बहुत उम्मीद है कि सरकार इस पर भी कोई चर्चा करेगी और इस पर भी अपनी कैबिनेट मंजूरी देगी, ताकि इस विषय को आने वाले विधानसभा के सत्र के बीच में ले जाकर एक नया कानून तैयार किया जाए, कानून बनाया जाए, जिससे जो निजी स्कूल है हिमाचल प्रदेश के, शिक्षण संस्थान है, उनकी जो फीस रेगुलेशन का मामला है वो सरकार के हाथ में आए और सरकार की उस पर पूरी तरह से जो नियंत्रण वो उसको लेके हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से जो अभिभावक है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि सरकार के पास ये कानूनी प्रावधान नहीं है कि स्कूल की जो फीस है उसको रेगुलेट करे, तो उम्मीद है आज जो कैबिनेट की बैठक है उस पर इस पर भी कोई निर्णय लिया जाए। उमेश, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक है, सुबह तकरीबन 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। तो बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। तो आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुबह करीब 10:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य सचिवालय में करेंगे, और इस बैठक में राज्यपाल बंडारू
दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जानी है। यह अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी जाएगी जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया जाना है। नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने का जो मामला है वो भी मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। तो 10:30 बजे ये बैठक होगी, काफी अहम ये बैठक है जहां विधानसभा के बजट सत्र पारित भी होंगे, विधेयक पारित किए जाएंगे और साथ ही बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। तो सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक। तो 10:30 बजे ये बैठक होगी राज्य सचिवालय में, 10:30 बजे बैठक होनी है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा इस बैठक के दौरान, विधेयक भी कई पारित होंगे।